नमस्कार, मैं हूं अजय चौधरी और आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बच्चे पैदा करने में। हम नंबर वन आए हैं पूरे वर्ल्ड में, और जहां पूरे वर्ल्ड ने 392,078 बच्चे पैदा किए हैं, वहीं इसमें योगदान देते हुए इंडिया नंबर वन आया है। 67,385 बच्चे इंडिया में पैदा हुए हैं न्यू ईयर के दिन। भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या चाइना की भारत से भी ज़्यादा है, उसको भारत ने काफ़ी पछाड़ दिया है। और चीन में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 46,299 बच्चे न्यू ईयर के दिन पैदा हुए हैं, और हम चीन से 21,086 बच्चे आगे हैं। वहीं नाइजीरिया की अगर बात करें तो नाइजीरिया 26,039 बच्चों के साथ तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान 16,787 बच्चों के साथ चौथे नंबर पर है। इसके बाद इंडोनेशिया आता है जो 13,020 बच्चों के साथ पाँचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर इसमें अमेरिका है। अमेरिका में 10,452 बच्चे इस दौरान पैदा हुए हैं न्यू ईयर पर। फिर अमेरिका के बाद सातवें नंबर पर है कोंगो, 10,247 बच्चे कोंगो में पैदा हुए हैं। फिर आठवें नंबर पर आता है इथोपिया, इथोपिया में 8,493 बच्चे पैदा हुए हैं न्यू ईयर के दिन। अब हमें सोचना चाहिए कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं जहां हमसे ज़्यादा जनसंख्या है, उससे भी ज़्यादा हम यहां अपने देश में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हमारे लिए CA और NRC ज़रूरी है, या फिर हमें जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना चाहिए जो कि सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो। हमें कोई ऐसा कानून लाना चाहिए, और क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हमारे जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे ट्रेन्स है, मेट्रो ही जो नई चीज़ चली है, जब भीड़ होती है, आप चाहे दिल्ली का राजीव चौक स्टेशन देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो का, जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि कितनी वहाँ पर भीड़ होती है। इतना अच्छा सिस्टम होने के बावजूद मेट्रो जैसी चीज़ का वो सिस्टम भी भीड़ की जनसंख्या की वजह से तबाह हो जाता है। बहुत सारी योजनाएं जिसका गवर्नमेंट जिनको लागू करती है उनका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, सब लोग उनमें कवर नहीं हो पाते कि जनसंख्या ही इस कंट्री में इतनी ज़्यादा है। तो भीड़ बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर देती है और हमें आगे बढ़ने से हमें पीछे धकेलती है। तो क्यों ना हम CAA और NRC जैसे जो एक्ट हैं उन पर आजकल बात हो रही है, क्यों ना जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो और क्यों ना इसको लागू किया जाए। हम जनगणना कराने जा रहे हैं, धार्मिक आधार पर हम गिनना चाहते हैं कि कितने लोग हैं इस कंट्री में धार्मिक, किस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं अपना, लेकिन हम इस पर क्यों जोर नहीं दे रहे कि कौन बच्चे क्यों पैदा किए जा रहे हैं, इसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। चीन नियंत्रण में ला रहा है, हम क्यों नहीं ला सकते। धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं।